हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद आफाक खान। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं महमूद असगर साहब, उन्होंने एक तहरीर लिखी, सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि एक मछेरा होता है और उसे तालीम हासिल करने का जरा भी शौक नहीं होता। जब भी उसे कोई कहता है कि इल्म हासिल करो तो वो आगे से उस बात को मजाक में उड़ा देता है। तो एक मरतबा वो एक जगह बैठा हुआ होता है कि वो देखता है कि एक आलिम कुछ शागिर्दों को किसी बात पर लेक्चर दे रहा है, तो वो सोचता है कि यार मैं भी तो जाके देखूं आखिर ये आलिम कह क्या रहा है। वो जैसे ही वहां जाकर बैठता है तो एक शागिर्द सवाल करता है कि उस्ताद जी ये मुखन्नस क्या होता है। तो आलिम आगे से जवाब देता है कि बेटा मुखन्नस वो जिससे आप नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकते, जिसको आजकल के जमाने में हम लोग ख्वाजा सरा कहते हैं। तो उस मछेरे के दिमाग में वो एक लफ्ज बैठ जाता है। उसके कुछ अरसे बाद वो मछेरा जब शिकार करने जाता है इतनी खूबसूरत मछली पकड़ता है कि इसने कभी अपनी 50 साल जिंदगी के करियर में कभी इतनी खूबसूरत मछली नहीं पकड़ी होती। तो वो सोचता है कि यार इतनी खूबसूरत मछली का मैं क्या करूंगा, क्यों ना मैं इसको बादशाह सलामत के दरबार में पेश कर दूं। वो उस खूबसूरत मछली को लेकर बादशाह सलामत के दरबार में पेश हो जाता है। बादशाह ने भी कभी इतनी खूबसूरत मछली नहीं देखी होती, तो वो खुश होकर उसे अशरफियों से नवाज देता है। लेकिन चूंकि आपको पता है पुराने जमाने के बादशाहों की ख्वाहिशात थोड़ी सी अजीब हुआ करती थी, तो वो बादशाह उसे कहता है कि इस मछली का इनाम तो मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन अगर तुम एक हफ्ते के अंदर इसी तरीके की एक और मछली पकड़कर नहीं लाए तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ये जोड़ी अपने तालाब में डालूं और उससे वो आगे नस्ल बढ़ा सके। मछेरे के पसीने छूट जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूं। अचानक उसके जहन में वो एक लफ्ज आता है और वो कहता है बादशाह सलामत आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये मछली मुखन्नस है और इससे नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। बादशाह सलामत ये सुनते ही उसे माफ कर देता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आलिम के साथ थोड़े से वक्त के लिए रहने की सोहबत होती है। आजकल हमारे नौजवान उलमा के करीब जाना तो दूर की बात, उलमा से दूर भागते हैं और खुद को आलिम समझते हैं। तो जब तक हम उलमा को उनकी अहमियत नहीं देंगे, जब तक हम उलमा को उनके इल्म के हिसाब से इज्जत और एहतराम नहीं देंगे, तब तक हम उलमा की सोहबत में नहीं रह सकते। जब तक हम उलमा की सोहबत में नहीं रह सकते, मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हो सकते हैं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात, इस दुनिया में रहने के तरीका और सलीका, लोगों के साथ मिलने का सलीका, शादी के बाद जिंदगी गुजारने का सलीका, काम में किस तरीके से जिंदगी गुजारी जा सकती है, ये सारी चीजें हम उलमा की सोहबत में रहकर बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने करीबी उलमा, अपने मस्जिद के उलमा, जिनके पास आपने पढ़ा हो, उनकी इज्जत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह।